मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक साइको किलर को जो कि बहुत खतरनाक था और वो लड़कियों को उठाकर अपनी वैन में उनका मर्डर कर लेता है। और अब उसने इस लड़की का मर्डर किया होता है और वो उसी टाइम ही पुलिस को फ़ोन करता है और उन्हें वहां बुला देता है। वो पुलिस को एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से करता है कि उसने खून होते हुए देखा है, पर हमें तो पता है कि उसने ही खून किया इस लड़की का। लेकिन वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि पुलिस उसकी बात मानकर, और फिर वो सारी बात पुलिस को एक्सप्लेन करके बताता है, वो भी सब कुछ झूठ झूठ। तो पुलिस भी बोलती है कि तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन लड़का बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊँ। तो वो बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। फिर लड़का खतरनाक सी स्माइल करता है और चला जाता है। फिर हम सुबह को देखते हैं एक ऑफिस में जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो कि गूंगी और बहरी होती है। वो किसी से कॉल पे बात करती है और उसे इशारों में बात करती रहती है और उसे जवाब भी देती है। इस लड़की का नाम क्योंग होता है और इसे एक लड़की इशारों में मिडिल फिंगर दिखाती है, तो क्योंग भी उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। तो वो लड़की उसे डबल मिडिल फिंगर दिखाती है। क्योंग उससे बात करती है साइन लैंग्वेज में और वो बैठती है और उसे गुस्सा आता है बहुत। बाकी की स्टोरी में आपको पार्ट टू में बताऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।